धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पिपली के अनाज मंडी में गिरते आलू के दामों ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। जैसे जैसे आवक बढ़ रही है वैसे ही आलू के दाम गिरते जा रहे हैं। जो आलू आज से 5 दिन पहले 1000 रुपए से 950 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था वह आज घटकर 650 रुपए रह गया है। अगर आवक की यही स्थिति रही तो अगले 3 से 4 दिनों तक आलू के दाम 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच सकते हैं। आलू के गिरते दामों को देखकर किसानों ने भावांतर भरपाई योजना 1 दिसंबर से लागू करने की मांग की है। आलू सर ऐसे ही है, लागत के हिसाब से वैसे रेट कम है, लगभग 30 से 35 हजार रुपए खर्चा जाता प्रति एकड़ और निकल रहा है और ये लगभग 40 और 45 के आसपास। तो कच्चा आलू होगा? ये कच्चा आलू है। अच्छा, सरकार से तो अनुरोध है जो भावांतर योजना है वो 1 तारीख से लागू की जाए। आलू के लगातार गिरते दाम किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन रही है, जिसके चलते सभी 1 दिसंबर से भावांतर योजना की मांग कर रहे हैं। किसानों की माने तो भावांतर योजना उनके लिए वरदान साबित होगी और उनके नुकसान की भरपाई करने में वरदान साबित होगी और इससे उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा के अंदर बनी है, एक बहुत ही अच्छी योजना जो अपने सब्जी के फसल उत्पादक किसान हैं उनके लिए भावांतर योजना लाई है और आज इस भावांतर योजना के साथ साथ यदि आलू का रेट 500 रुपये से कम नीचे आता है तो उसको भावांतर का लाभ मिलेगा। और फिलहाल सरकार की ऐसी योजनाएं और सरकार की ऐसी पॉलिसियों के कारण बहुत अच्छा रेट आज आलू का मिल रहा है, लगभग 800 से 850 रुपये तक के बीच जो कच्चा आलू होता है इस समय का वो किसानों का बिक रहा है, तो अच्छे मूल्य पर खरीद की जा रही है और साथ के साथ फसल का उत्थान भी बहुत अच्छा है और जो कि अपने घरेलू बाजार हैं उसमें आलू की खपत जो है वो अच्छी है और इसमें और भी अधिक रेट बढ़ने की संभावना है। और अगर इसमें कहीं पर कोई जोखिम की बात आती है आलू के फसल में तो भावांतर योजना किसानों के साथ खड़ी है और आप हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की साइट पर जाकर पोर्टल पर अप्लाई करें भावांतर पोर्टल पर, और अगर इसमें किसी भी आलू टमाटर प्याज मटर वगैरह किसी भी फसल पर अगर भावांतर से कम आता है रेट जो रेट सरकार ने दिए हैं तो उसकी सरकार भरपाई करेगी। भावांतर योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिसके तहत किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और आलू के उचित दाम ले सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।